दोस्तों, पैसों को लेकर दुनिया भर में असंतुलन बना रहा है। एक ओर तो खाने के लिए लोगों को रोटी तक नहीं मिलती, तो दूसरी ओर इस संसार में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी अमीरी का आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। आपको पता ही है कि जहां पर अमीरी होती है वहां पर अय्याशियां अपने आप चली आती हैं, और जब बात अय्याशी की आती है तो दुबई और दुबई के अमीर शेखों की तस्वीरें दिमाग में छप जाती हैं। दुबई की पहचान है पैसा, लिविस लाइफस्टाइल और एक्स्ट्रा मॉडर्न बिल्डिंग, सुंदर शॉपिंग मॉल और लग्जरी नाइट लाइफ, और बिकनी पहनकर घूमती महिलाएं जिनको देखकर आप यूरोप की महिलाओं को भी भूल जाएंगे, जो कि इतना फेमस होता चला जा रहा है कि यहाँ हर कोई एक बार तो जरूर जाना चाहेगा। कई लोग ये विचार करते हैं कि दुबई एक देश है। आपको बता दें कि दुबई एक देश नहीं बल्कि ये यूनाइटेड एमिरेट्स की एक स्टेट है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुबई में महिलाएं बिकनी पहनकर घूम सकती हैं। जबकि ऐसा यूएई की किसी दूसरी स्टेट्स में करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती। कहा जाता है कि इस संसार में अगर कहीं पर जादूगरी मौजूद है तो वो दुबई के पास है। उसे अगर गोल्ड की स्टेट कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में किए जाने वाले गोल्ड के व्यापार में से 50% व्यापार इसी राज्य दुबई में होता है। दुबई में आज के समय में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध ना हो। इस संसार की किसी भी चीज की बात कर ली जाए तो वो दुबई के पास मौजूद है या फिर वो उसे बना रहा है। फ्लाइंग टावर जो हम कभी फिल्मों में देखा करते थे, आज के दिन दुबई में ये सब रियल में देखने को मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग का काम इतना होता है कि दुनिया की 30% क्रेन्स आज दुबई में ही काम कर रही हैं। फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको दुबई के वो गुप्त राज बताएंगे जिन्हें जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और कानों पर आपको यकीन नहीं आएगा। इससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, मिडल ईस्ट की शान, मिडल ईस्ट की जान दुबई, जिसे पर्ल ऑफ गुल्फ भी कहा जाता है, यूरोप की 7 स्टेट्स में से इसकी राजधानी अबूजाबी के बाद सबसे बड़ी स्टेट होने का सम्मान हासिल है। ये है तो एक छोटी सी स्टेट, लेकिन इस स्टेट की शान के आगे बड़े बड़े देशों की चमक फीकी पड़ जाती है। दुबई की इस चमक के पीछे इस बंदे का हाथ है जिसका ये कहना है कि दुबई हर एक काम में नंबर 1 होना चाहिए। इस बंदे ने वो काम कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े देश भी नहीं कर पाए। आज इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री इतने ऊपर चली गई है कि दुबई की जीडीपी का 40% जीडीपी टूरिज्म इंडस्ट्री से आता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अगर आपकी जेब में पैसा हो तो दुनिया आपको सलाम ठोकती है। चढ़ते सूरज को हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन जब सूरज ढल रहा हो तो उसे कोई नहीं पूछता। यही हाल दुबई का भी है। कई बरस पहले ये राज्य रेत के टीलों के कारण जाना जाता था। यहाँ पर चारों ओर केवल रेत ही रेत दिखाई देती थी। फिर निकले यहाँ पर तेल के भंडार जिसने बदल डाली दुबई की किस्मत, और अब इसका शुमार दुनिया की फास्ट ट्रैक ग्रोइंग इकोनॉमी में होता है। दुबई के मूल निवासियों को अमराती कहा जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई में 15% ही अमराती हैं और बाकी सब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपाइन के लोग हैं। भारतीय लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा जाना लाइक करते हैं, जिनकी संख्या 50% है, और कनाडा के बाद दुबई ही वो सिटी है जहाँ पर भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि दूसरों की बीवियाँ सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पास जाकर देखो तो अपनी से भी खराब लगती है। ऐसे उदाहरण कुछ ऐसे लोगों के भी हैं जो कि दूसरे देशों में जाना चाहते हैं। इनसे अगर कोई पूछे कि क्या भारत सोने की चिड़िया नहीं है, घर में स्ट्रॉबेरी को छोड़कर बाहर से रसबेरी खाकर आ जाएंगे, लेकिन क्या मजाल है कि इनके कॉन्फिडेंस में कोई कमी आ जाए। हमारा भारत देश एक महान देश है। कमेंट बॉक्स में महान इंडिया के बारे में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, जिससे पता चलना चाहिए कि आप भारत देश से कितना प्यार करते हैं। दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं, जो कि बुर्ज अल खलीफा के नाम से जानी जाती हैं, जिसकी हाइट 829 मीटर है। इसके अलावा दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब है और दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल भी दुबई के अंदर ही स्थित है। दुबई में कैमल रेसिंग सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली स्पोर्ट है। अगर आप दुबई जा रहे हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार जरा दूर से ही कीजिएगा, क्योंकि दुबई में
अगर आप एक दूसरे को किस करते हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। दुबई की बीचेस को दुनिया की सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक माना गया है और दुबई के फेमस होने का एक रीजन ये बीचेस भी हैं। तो दोस्तों ये तो थी दुबई के बारे में एक सुंदर सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।